One of our students cracked neat in his first attempt and without having any coaching. So let's meet him. कैसा लग रहा है नीट क्वालिफाई करके? काफी खुशी वाला मोमेंट था। कितने परसेंटेज आपने बनाए 12th के बोर्ड एग्जाम में? अराउंड 91%. 90%. एंड व्हाट यू स्कोर इन अ नीट? इट्स लाइक 628 मार्क्स. व्हाट इज योर रैंक? आई एम रैंक इज 50,430. Which college you expected? Expecting my hometown college, any in MP, any college. Like, it is not confirmed. Okay. And what about your school and teachers? School and teachers were very supportive. Any special one you have to mention? Any special one like Hemant sir, Divya ma'am, and many more. Okay. And how did your school supporting you for your NEET examination or maybe board exam? Board exam. Hindi bolo. Board exam ke liye to bas ma'am jo padhati thi acha padhati thi. Sare bahut acha padhate the. Main mere ko jo support laga wo tha ki jaise ki main बच्चे ना क्लियर इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो 12th और नीट प्रिपरेशन को साइमल्टेनियस मैनेज नहीं कर पाते हैं. जो लास्ट का टाइम होता है ना, लास्ट के मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. उनमें प्रैक्टिकल वर्क के कारण बहुत टाइम चला जाता है लोगों का. तो मेरे केस में ये था कि टीचर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते थे कि स्कूल में ही प्रैक्टिकल अपना कंप्लीट कर लो, घर जाके पढ़ाई में कर लेता था. जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल कॉपी सारा कंप्लीट तो स्कूल में ही किया है. तो इसलिए मैं इस चीज़ में कहना चाहूँगा कि इसलिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है. और अगर थोड़ा कि जैसे कि तुमको ना ये सब एग्जाम्स में खुद के जो तुम पढ़ते हो ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. मैसेज के तौर पे मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि इट्स ऑल अबाउट योर हार्ड वर्क. तुम जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे तुम्हें उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा. ये जो इस टाइप के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं यहाँ पे कोचिंग के बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता. यहाँ पे तुमको खुद ही मेहनत करना पड़ेगी. अगर सपोज तुमने कोई बड़ी कोचिंग ज्वाइन भी कर ली ना, तुम ये सोचोगे कि वो तुम्हें सलेक्शन दिलवा देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है. उनका काम है पढ़ाना, वो पढ़ा के चले जाएंगे. लेकिन तुम्हारा सलेक्शन होगा या नहीं ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि तुम कितनी ज़्यादा सेल्फ स्टडी करो. तो इसीलिए मैं अगर कोई टिप देना चाहूँ तो यही बोलूँगा, सेल्फ स्टडी को अपना प्राइमरी फोकस रखो. और ये मानना कि अगर तुम चाहते हो तुम कर सकते हो तो तुम जरूर कर सकते हो. बाकी दूसरों की बातों को सुनने का ज़्यादा कोई वो नहीं है. तो बस अपने पे एकदम बिलीव रखना कि मैं कर सकता हूँ. बस खुद ही पढ़ाई करो.